Good morning, children. Fourth standard, third language Sanskrit, lesson 2, Akarant Pulling Shabd, A ending masculine gender words, Ekvachan, that means singular. In this lesson, we will learn about Akarant Pulling Shabd. What do you mean by Akarant Pulling? Akarant means A ending words. जिन शब्दों के अंत में अ जुड़ा होता है अर्थात उच्चारण करते वक्त अंत में अ की ध्वनि निकलती है उसे अकारांत शब्द कहते हैं. When we pronounce the end of the sound, when it will come a sound, so it's this word related to अकारांत pulling. Like देव, छात्र, बाल, अश्व, हस्त. द एंड ऑफ दिस साउंड अ साउंड इज कमिंग, दैट्स वाई इट्स रिलेटेड टू अकारांत पुल्लिंग शब्द. सो लेट्स सी हियर रिलेटेड अकारांत पुल्लिंग शब्द. सम वर्ड्स आर हियर बालह, वानरह, नरह, नृपह, गजह, खगह, मृगः, अश्वः, चंद्रः, सूर्यः, विडालः, कुकुरः, मयूरः, मूषकः, शुकः. सो चिल्ड्रन, व्हेन वी प्रोनाउंस दीज वर्ड्स द एंड ऑफ दिस साउंड इट्स कम्स लाइक अह, इज इट लाइक बालः. So end sound, a sound is coming, balah. So it's a akarant pulling shabd. So these all are related to akarant pulling shabd because all these words are ends with a sound. यह सारे शब्द जो है अंत में अ की ध्वनि से अंत होता है. तो देखें इसका अर्थ. बालह, बालह means बालक. A boy. Vanarah, that means bandar. A monkey. Narah, aadmi, a man. Nripah, iska arth hai raja, a king. Gajah, that means hathi, an elephant. Khagah, pakshi, a bird. मृगः, हिरण, अ डीर. अश्वः, घोड़ा, अ हॉर्स. चंद्रः, चंद्रमा, द मून. सूर्यः, सूरज, द सन. विडालः, बिलाव, अ ही कैट. हिंदी में बिलाव है यानी यह मेल कैट है इसलिए इसे विडालह कहते हैं. अ ही कैट, दैट मीन्स अ मेल कैट नोन एज विडालह इन हिंदी बिलाव. कुकुरह, कुत्ता, अ डॉग. मयूरह, मोर, अ पिकॉक. मूषकह, चूहा, अ रैट. शुकह, तोता, अ पैरट. लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू सेकेंड लेसन. बालह, बालक, अ बॉय. वानरह, बंदर, अ मंकी. नरह, आदमी, अ मैन. नृपह, राजा, अ किंग. गजह, हाथी, an elephant. Khagah, pakshi, a bird. Mrigah, hiran, a deer. Ashwah, ghoda, a horse. Chandrah, chandrama, the moon. Suryah, suraj, the sun. Vidalah, bilav, a he cat. कुकुरह, कुत्ता,
a dog. Mayuraha, मोर a peacock. Mushakaha, chuha, a rat. Shukaha, tota, a parrot. यहाँ पर हम देखेंगे व्याकरण में कि अकारांत यानी आ एंडिंग, मैं आपको जो बता चुकी हूँ पहले, जिन शब्दों के अंत में आ जुड़ा हो अर्थात उच्चारण करते पर अंत में अ की ध्वनि निकलती हो उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं, जैसे देव, बाल, छात्र, अश्व, हस्त. पुल्लिंग यानी मस्कुलिन जेंडर. पुल्लिंग शब्द उसे कहते हैं जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करवाते हैं, वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे कि पुरुषः, बालकः, सिंहः, वृक्षः आदि. नेक्स्ट एक वचन. एक वचन यानी इंग्लिश में सिंगुलर, जो शब्द किसी वस्तु की एक संख्या यानी इकाई का ज्ञान करवाते हैं वे एक वचन कहलाते हैं, जैसे चंद्रह दैट मीन्स एक चांद, काकह इसका अर्थ है एक कौवा, मनुष्यः यानी एक मनुष्य, अध्यापकः दैट मीन्स एक अध्यापक. अभी हम कुछ अभ्यास देखेंगे. नीचे दिए गए चित्र देखिए और उनके नीचे संस्कृत शब्द लिखिए. यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, उन चित्रों के नाम आपको संस्कृत में लिखना है. पहला पिक्चर कान है. कान को संस्कृत में कर्णः कहते हैं. दूसरा पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्ली, फीमेल बिल्ली, फीमेल कैट को बिल्ली कहते हैं, वही मेल कैट को बिलाव कहते हैं. तो इस लेसन में हम अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़े थे, तो यह भी यहाँ के चित्र और प्रश्न भी रिलेटेड टू पुल्लिंग ओनली. सो हियर दिस कैट इज़ रिलेटेड टू अकारांत पुल्लिंग, सो इसे संस्कृत में विडालह कहेंगे. इस बिलाव को संस्कृत में विडालह कहेंगे. नेक्स्ट पिक्चर राजा. राजा को संस्कृत में नृपः कहेंगे. आगे देखेंगे यहाँ पर हाथी का चित्र है, हाथी को संस्कृत में गजः कहेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ा को संस्कृत में अश्वः कहेंगे. यहाँ पर आप अध्यापक को देख रहे हैं, अध्यापक को संस्कृत में शिक्षकः कहेंगे तथा अध्यापक भी अध्यापकः भी कह सकते हैं. नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर हिरण को देख रहे हैं, हिरण को संस्कृत में मृगः कहेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर आप आदमी को देख रहे हैं, इस आदमी को संस्कृत में नरः कहेंगे. वैसे ही लास्ट चित्र, लास्ट पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चूहा को, इस चूहा को संस्कृत में मूषकः कहेंगे. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्न संस्कृत शब्दों की हिंदी अथवा अंग्रेजी बनाइए. यहाँ पर आपको प्रश्न संस्कृत में दिया गया है, उसका अर्थ आपको हिंदी या फिर अंग्रेजी में लिखना है. पहला क्वेश्चन शिक्षकः यानी शिक्षक, अ टीचर. सेकंड वन मूषकः यानी चूहा, अ रैट. थर्ड क्वेश्चन अश्वः यानी घोड़ा, अ हॉर्स. फोर्थ क्वेश्चन वृषभः यानी बैल, एन ऑक्स. फिफ्थ क्वेश्चन सिंहः यानी सिंह, अ लायन. सिक्स्थ क्वेश्चन मनुष्यः यानी मनुष्य, इसका अर्थ है ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, निम्न शब्दों की संस्कृत बनाइए. यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, इसका अर्थ आपको संस्कृत में लिखना है. पहला क्वेश्चन राजा, किंग संस्कृत में नृपः. सेकंड वन पक्षी, बर्ड इन संस्कृत खगः. थर्ड क्वेश्चन हिरण, डीर इन संस्कृत मृगः.
फोर्थ वन कुत्ता डॉग इन संस्कृत कुकुरः फिफ्थ वन शेर लायन इन संस्कृत सिंहः सिक्स्थ वन तोता पैरेट इन संस्कृत शुकः सेवेंथ वन घोड़ा हॉर्स इन संस्कृत अश्वः एइथ वन मोर पिकॉक इन संस्कृत मयूरः फोर्थ क्वेश्चन किन्हीं पांच वस्तुओं के नाम संस्कृत में लिखिए जो अकारांत हो सो यू हैव टू राइट द एनी फाइव नेम्स इन संस्कृत रिलेटेड टू अकारांत सो हियर आर द आंसर्स फर्स्ट वन शिक्षकः गजः अश्वः सिंहः मयूरः शिक्षकः मीन्स टीचर गजः मीन्स एन एलिफेंट अश्वः मीन्स अ हॉर्स सिंहः मीन्स अ लायन मयूरः मीन्स अ पीकॉक फिफ्थ क्वेश्चन शरीर के पांच अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए यू हैव टू राइट एनी फाइव बॉडी पार्ट्स इन संस्कृत सो हियर इज द आंसर फर्स्ट वन नेत्रम सेकेंड कर्णः थर्ड नासिका फोर्थ ओष्ठः फिफ्थ दंतः नेत्रम मीन्स आई कर्णः मीन्स ईयर नासिका मीन्स नोस ओष्ठः मीन्स लिप्स दंतः मीन्स टीथ थैंक यू